अच्छा आज हमारा फर्स्ट किंग हिज मैजेस्टी जिग्मे सिंह वांगचुक का जन्मदिन है, तो जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग ने एक कार्यक्रम रखा है, तो उसको आपको लोग को एक इंफॉर्मेशन दो। तो वो भूटान इंडिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन जो है वो फोर्थ किंग ने इस्टेब्लिश किया है, तो 2004 में इस्टेब्लिश किया है, तो उसको हम फाउंडर है। तो उसके जन्मदिन मनाने के लिए कि हम लोग सोचा कि एक हेल्थ कैंप रखूँ। तो हेल्थ कैंप क्यों रखूँ कि वो एक तो आप लोग को पता है कि हम लोग इधर जो सीमा के गांव लोग में इधर हेल्थ फैसिलिटी बहुत कम है, तो इसीलिए हम लोग सोचा एक ये रखने से तो इधर के पब्लिक के लिए कि भी अच्छा होगा। तो उससे सिर्फ भूटान के वो मनाने के लिए नहीं, सिर्फ वो फिर तो क्या बनेगा, हम लोग का रिश्ता बढ़ेगा, तो पता भी चलेगा कि इधर का आदमी लोग का हेल्थ और वेलबींग कैसे, तो उससे पता चल जाए कि हम लोग भी पीछे आगे जो प्रोग्राम करे तो किस जगह में काम कर सकते हैं, इसी हिसाब से हम लोग ने रखा है। तो एक तो जब भी हम लोग प्रोग्राम करता है तो नहीं देखता है कि ये इंडिया और भूटान का सीमा है, कभी नहीं देखता है। अब जैसे आपने बताया इधर रखने के इंडिया में रखने का क्या मकसद है, हम लोग का मकसद सिर्फ है कि इधर के आदमी लोग की मदद करूँ। जो जब भी आप लोग का सरकार बहुत बड़ा है तो कभी कभी ऐसे होता है कि किस किस जगह में सर्विस नहीं पहुंच सकते, हमारे भूटान में भी ऐसे। तो ये हम लोग पड़ोसी देश है और उसके नाते हम लोग गेलिफो बहुत पड़ोसी नज़दीक है, तो इसीलिए हमारा पास सर्विस जो है, हमारा पास जो डॉक्टर्स है, नर्सेस है, उसके अलावा इक्विपमेंट्स है, तो हम लोग सोचा क्यों इधर लेके हम लोग क्यों एक ऐसे कार्यक्रम क्यों नहीं कर सकते, इसी वजह से हम लोग रखे। तो हर साल हम लोग एक कार्यक्रम करेगा, एक प्रोग्राम रखेगा, वही बताना था। आप लोग का अलग अलग के एक तो हम लोग को है चेकअप में NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या क्या है, जैसे डायबिटीज़ है कि नहीं, हाइपरटेंशन है कि नहीं, वो चेक करने के लिए एक तो हम लोग आँख कान का सब चेक करेगा वो सब, और एक तो हम लोग का हो कि भूटान का ट्रेडिशनल हॉस्पिटल हम जैसे इंडिया में आयुष है ऐसे हमारा ये, तो ये लेके आया। तो आदमी लोग इधर वो सिर्फ डॉक्टर का नहीं, वो आयुष की तरफ से भी क्या कर सकते हैं, इसी की वजह से हम लोग लेके आया इधर आज। बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोग बातचीत किया है, पब्लिक लोग बोल रहे हैं अभी कोई उन लोग ऐसे इधर आके हेल्थ कैंप बहुत होता है मगर बहुत दिन से नहीं हुआ है, तो उन लोग बहुत खुशी है। तो बच्चे स्कूल के बच्चे लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग का चेकअप नहीं हुआ था ऐसे, तो उन लोग का आँख कैसे कमज़ोर है, उन लोग का क्या है, उन लोग को पता नहीं है। तो जब भी उन लोग करना चाहते हैं तो बहुत दूर जाना पड़ता है, जैसे दालीगांव में जाना पड़ता है, बोगे गाँव जाना पड़ता है, इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं कि उन लोग बहुत खुशी है कि आज उन लोग के घर के सामने आ गए हम लोग। एक्चुअल मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको एक्चुअली बिफा को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, एंड आज जो ये यहाँ पे हम लोग का फ्री मेडिकल कैंप हो रहा है इट्स जस्ट एन कॉप व्हाट यू कॉल अलायंस बिटवीन टू ग्रुप लाइक बिफा एंड आवर हाथीसा मोटरसाइकिल क्लब अलॉन्ग विद CRR हॉस्पिटल। हम लोग ये एक छोटा सा मेडिकल कैंप कर रहे हैं क्योंकि एज़ यू ऑल नो दैट वी डोंट हैव अ हॉस्पिटल ओवर हियर, नियरेस्ट हॉस्पिटल इज नियरली 25 किलोमीटर्स अवे, सो इट्स जस्ट फॉर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ऑन द बेस ऑफ दैट हम लोग ये आज का डेट में ये एक मेडिकल कैंप कर रहे हैं ताकि लोगों को थोड़ा सुविधा हो, थोड़ा ईजी हो। एज यू ऑल नो दैट इज़ अ फेस्टिवल सीजन टाइम, सो मैक्सिमम लोग आज आप देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा ही भी है यहाँ पे, सो इससे ये पता चलता है कि लोगों को मैक्सिमम प्रॉब्लम्स भी चल रही है। तो हम लोग थैंक यू कहना चाहते हैं बिफा को फॉर लेंडिंग आउट देयर सपोर्ट एंड टू CRR हॉस्पिटल सेंट्रल रीजनल रेफरल हॉस्पिटल ऑफ गेलिफू जो यहाँ पे आके हम लोगों को ये सपोर्ट कर रहे हैं याद के दिन में। एंड वी एज लोकल्स ऑफ हियर एंड वी एज अ क्लब ऑफ हाथीसा मोटरसाइकिल क्लब मेंबर्स वी आर वेरी मच हैप्पी, हम लोग वी आर वेरी मच ग्लैड दैट दे आर ऑल हियर एंड सोच रहे हैं कि हम लोग आने वाले साल में भी ऐसा कुछ और मेडिकल कैंप या और कोई और चैरिटी वर्क्स हम लोग